हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की सीरीज में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। उसी का दोस्तों आज हम लोग इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ हम लोग वही क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और दोस्तों जो पूछने के 100% चांस है। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टोटल 81 क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 81 क्वेश्चन इस चैप्टर में आपका बनता है, तो हो सकता है दोस्तों पार्ट टू बनाना पड़े, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि 80 का 80 सवाल जो इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर दे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए चुनाव क्वेश्चन है, सभी चुनिंदा क्वेश्चन है। इसलिए जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे, तभी दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा, तभी बेनिफिट पहुंचेगा। अन्यथा दोस्तों ये वीडियो देखने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो प्लीज जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और मेरे साथ साथ आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर देते हुए चले। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा थ्योरी को आपको पढ़ा दिया है, यानी कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जाइए चैनल का प्लेलिस्ट पे, वहां जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से भी जो है आप एक्सप्लेनेशन को यानी कि थ्योरी को पढ़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ये जो हम लोगों ने पढ़ा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल है वो क्या था। मैंने आपको कहा भी था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये दोनों के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो इसका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1956 से 1961। बहुत लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जब चुनाव आयोग हुआ था यानी कि जब चुनाव हुआ था 1952 में, तो उसी में प्रथम था और दूसरा में जो है 1957। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो 1956 से था और वहीं पे दोस्तों प्रथम जो है वो 1951 था। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना वो कब से कब तक था, 1951 से 1956। और अगर आपको पूछ दे द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो आपको देना है 1956 से 1961। ठीक है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका 2012 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। आप लोगों ने 10th क्लास में भी इस क्वेश्चन को पढ़ा है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक होता है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, इसी को हम लोग बोलते हैं वित्तीय वर्ष। ठीक है, तो भारत का जो वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि अमूल का संबंध के बारे में इंपोर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ था, तेल उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से या फिर उपर्युक्त सभी से। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है दूध उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन बी। तो अमूल का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे है, दूध उत्पादन से, राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि अमूल का ब्रांड भी चलता है इंडिया में, आप लोग जरूर मतलब कि दूध वगैरह खरीदे होंगे। ठीक है, तो दूध उत्पादन से जो है अमूल का संबंध है, तो थर्ड का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया। किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की जो भूमिका है, जो रोल है, उसको एक लिमिट कर दिया गया, 1960 वाले दशक से, 1970 वाले, 1980 वाले या फिर 1990 वाले। तो दोस्तों 4 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1980 वाले दशक से। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1980 वाले दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, नीति आयोग, वित्त आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग या फिर चुनाव आयोग। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है नीति आयोग। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो नीति आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये भी 2019 का अनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका 1951 हो जाएगा। और प्रथम के बारे में पूछ दे तो 1951 से 56, द्वितीय पूछ दे तो 1956 से 61। ठीक है, तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो 1951 से हुई थी, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में कराया, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 से 1956। अक्सर ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रथम, द्वितीय, कभी कभी लघु क्वेश्चन में, कभी कभी दीर्घ क्वेश्चन में प्रथम के बारे में, द्वितीय के बारे में पूछ देगा। तो अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो को थ्योरी वाला को नहीं देखा है उसको जाके देखिए, वहां पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपये व्यय की व्यवस्था की गई थी। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कुल कितने रुपये व्यय की यानी कि खर्च की, इन्वेस्ट करने की व्यवस्था की गई थी, 3870 करोड़, 4890 करोड़, 3000 करोड़ या फिर 6080 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 8 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 3870 करोड़, यानी कि ऑप्शन ए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है लगभग 3870 करोड़ रुपये जो है इन्वेस्ट के लिए व्यवस्था की गई थी, इंतजाम की गई थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9,
किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है आपका कृषि से था, पूरा कृषि से, यानी कि जो कृषि की जो एक प्रकार का विकास है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई थी। वहीं पे जो औद्योगिक है उसका विकास जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसमें जो है औद्योगिक और परिवहन योजना के नाम से भी जाना जाता है, किसको, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक का विकास हुआ था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, किसानों पर जो एक प्रकार का कृषि पर जो विकास है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना था। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो 10 का जो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसी योजना में जो है अक्सर सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो कृषि पर दिया गया था, किस पर, कृषि पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है। भारत में जो नियोजन व्यवस्था है वो कौन से देश से, यानी कि किस देश का नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है, सारा अमेरिका यानी कि यूएसए से, या फिर सोवियत संघ से, या फिर फ्रांस से, या फिर ब्रिटेन से। तो यहाँ पर जो 11 का राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वह है सोवियत संघ से। ठीक है, तो भारत में जो नियोजन व्यवस्था है वो कौन से देश से नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है, वह है सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन बी 11 का राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 12, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। किसके सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था भारत में, आर्थिक कार्यक्रम समिति, राष्ट्रीय आयोजन समिति, या फिर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय योजना परिषद। आप लोग फटाफट सभी का आंसर देते हुए चलेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो पहले पढ़ चुके हैं तो उसका एक प्रकार का रिविजन हो जाएगा, इसलिए आंसर दीजिए। और लास्ट में आपको बताना है कि आप लोग टोटल कितना करेक्ट किए। ठीक है, 12 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है आर्थिक कार्यक्रम समिति। तो निम्नलिखित में से जो आर्थिक कार्यक्रम समिति है इसी से सिफारिश पर, इसी के सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। किसके सिफारिश पर, आर्थिक कार्यक्रम समिति। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करवाया था एक्सपेंशन में, मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन, मनमोहन सिंह, या फिर नरसिम्हा, या फिर राजीव गांधी, या फिर वीपी सिंह। तो यहाँ पर भारत में नई आर्थिक नीति जो है, नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। 13 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पर नरसिम्हा राव, वन सेकेंड, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो नरसिम्हा राव ही होगा। ठीक है, तो भारत में जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत है वो किस प्रधानमंत्री ने की थी, दोस्तों वो की थे नरसिम्हा राव ने। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, एक है नीति आयोग, है योजना आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। किसकी, नीति आयोग की। ठीक है, और वहीं पे यहाँ पर बहुत बोल रहा है कि आर्थिक नीति की शुरुआत, नई आर्थिक नीति, ना कि नीति आयोग, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। अगर आपको पूछ दे नीति आयोग तो आपको देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं पे अगर बोल दे नई आर्थिक नीति तो बोलना है आपको नरसिम्हा राव। कब किया गया था दोस्तों इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 1991, क्योंकि 1991 से पहले देश जो है बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तो 1991 में जो है ये आपके नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी। ठीक है, और उस समय जो मनमोहन सिंह था वो वित्त मंत्री था, मनमोहन सिंह जो वो क्या था, वित्त मंत्री था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों 14 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वह प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ये भी देखिए 2015 में, 19 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1950, 1955, 1952, 1956। तो 15 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा, जी हाँ, यहाँ पर आपका ऑप्शन बदला हुआ, लेकिन इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1952। ठीक है, 15 का राइट आंसर 1952 होगा। ठीक है, 1952 ध्यान रखना है, 1952 ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर गलत टाइप किया हुआ है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो कब हुआ था, 1952 में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, या फिर मंत्रिमंडल के मंत्री, या फिर उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, तो 16 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह उपयुक्त सभी, यानी कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी, योजना आयोग के सदस्य भी, और मंत्रिमंडल के मंत्री भी, ये तीनों जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना जो है
किसकी अध्यक्षता में की गई थी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार ए दलाल, ठीक है, दलाल, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना की गई थी, इसी की अध्यक्षता में, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ था। ये जो हरित क्रांति हुआ था, हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था पार्ट टू में एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में, कि हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ है वो किस अनाज में हुआ था, मक्का में, दलहन में, चावल में, गेहूं में। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है गेहूं, ठीक है। तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ है वो किस अनाज में हुआ था, गेहूं के अनाज में हुआ था। 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका जो सबसे ज्यादा फायदा है वो किसको हुआ था, वो बड़े बड़े किसानों को हुआ था, ठीक है, फैक्ट्री वालों को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। देखिए 2012 में, 2014 में, 19 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो 19 का जो है राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि द्वितीय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। ये जो है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, कौन, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तिलहन उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, चावल उत्पादन से, दूध उत्पादन से। तो 20 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है आपका तिलहन उत्पादन से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, श्वेत क्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो श्वेत क्रांति जिसको बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसका संबंध जो है किससे है, फूलों के उत्पादन से, शहद के उत्पादन से, दूध उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से। तो 21 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह दूध उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन सी। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, दूध उत्पादन से। 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई थी, राजस्थान में, गुजरात में, केरल में, बिहार में। तो दोस्तों श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है वो कहां से की गई थी, बिल्कुल 22 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है गुजरात, ठीक है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है वो आपके गुजरात से की गई थी, किस राज्य से, गुजरात राज्य से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, वर्गीज कुरियन को, एम स्वामीनाथन को, या फिर नॉर्मन बोरलॉग को, या फिर पीसी महालनोबिस को। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, पीसी महालनोबिस बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, 23 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह है वर्गीज कुरियन, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्गीज कुरियन, इसी को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से, यानी कि किस शहर शुरुआत की गई थी, किस शहर से शुरुआत की गई थी, पटना से, आनंद से, बरौनी से, जयपुर से। ये जो अमूल नामक सहकारी आंदोलन है वो कौन से शहर से शुरू की गई थी, इस आंदोलन को। 24 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह बरौनी, सॉरी आनंद से, ऑप्शन सी होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है, आनंद से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आनंद से। तो अमूल नामक सहकारी आंदोलन जो है वो आनंद शहर से शुरुआत की गई थी, इस आंदोलन की, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेशन फ्लड जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, ये किससे संबंधित है, अनाज उत्पादन से, दूध उत्पादन से, फूल उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो 25 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह दूध उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है, वो आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दूध उत्पादन से, 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1967 में, 1969 में, 1968 में, 1970 में। तो भारत में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो कब किया गया था, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है आपका 1969 में। 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1969, ये आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 1969 में, यानी कि भारत में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था, 1969 में। 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि यहाँ पर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए, नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होना चाहिए, 3, 5, 8, 10। तो यहाँ पर जो 27 का आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 3, यानी कि 3। तो नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होना चाहिए, 3 लक्ष्य होना चाहिए, 3, टोटल 3। राइट आंसर आपका 27 का ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, सामाजिक न्याय के साथ जो विकास है, सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये जो है कौन से पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। यानी कि चौथी, छठी, तीसरी, पांचवी, किससे जो है ये संबंधित था, सामाजिक न्याय का, न्याय के साथ विकास भी होना चाहिए, ये कौन से पंचवर्षीय योजना से, यानी कि कौन से पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो 28 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह पांचवी, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, आपका ऑप्शन डी होगा। तो पांचवी आपको राइट आंसर लगाना है, कितना है,
पांचवी, ठीक है। तो सामाजिक न्याय के साथ विकास जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, वो था दोस्तों पांचवी। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ कृषि का मशीनीकरण के, कीटनाशकों का प्रयोग करके, या फिर वाणिज्यिक फसलों का अधिक उत्पादन करके, सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। तो हरित क्रांति का जो दुष्प्रभाव हुआ वो कैसे, तो 29 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी, यानी कि स्ट्रेस के बढ़ाव से, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी से हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। फिर से वही क्वेश्चन, यहाँ पर नई आर्थिक नीति की बोल रही है, पहले पूछा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो हम लोगों ने देखा 1991 में, ठीक है। तो इसकी यहाँ जब जो 30 का राइट आंसर होगा, मैंने आपको बताया भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1991 में। तो भारत में जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत है वो कब की गई थी, 1991 में की गई थी, और उस समय जो मनमोहन सिंह है वो वित्त मंत्री थे। तो आपको गलत आंसर नहीं लगाना है, देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था, पीसी महालोबिस, एम एस स्वामीनाथन, सी आर राव, या फिर एम एन बोस। तो भारतीय जो सांख्यिकी संस्था है उसकी जो स्थापना है वो किसने किए थे। 31 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है पीसी महालोबिस, ऑप्शन ए। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालोबिस ने किया था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 31 नंबर का, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई। सबसे पहले यहां पर पूछा किसने की, पीसी महालोबिस ने, कब हुई थी इसका स्थापना, तो 32 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1931 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालोबिस ने की थी, कब की थी, 1931 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए थे, यानी कि कौन से पंचवर्षीय योजना थे जिसमें रेलवे इंजन कारखाना, दुर्गापुर भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये सभी चीजों का जो है योजना यानी कि प्लानिंग शुरू हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, या फिर द्वितीय, या फिर तृतीय, या फिर पंचम। तो 33 का जो राइट आंसर है बिल्कुल 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही आपका एक इंजन खाना, क्योंकि औद्योगिक हम लोग जानते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जो है औद्योगिक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रथम में सिर्फ कृषि के बारे में हुआ था और द्वितीय में औद्योगिक और परिवहन, और यहाँ पर रेलवे इंजन ये भी एक प्रकार का औद्योगिक है, परिवहन है। दुर्गापुर भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र यानी कि स्टील का संयंत्र वगैरह, ये भी आपका क्या है, किस मतलब कि एक प्रकार का औद्योगिक से रिलेटेड है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन 30 होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, पतरालू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया था। पतरालू थर्मल पावर स्टेशन का जो निर्माण है किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। तो 34 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन बी। तो पतरालू थर्मल पावर स्टेशन का जो निर्माण है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन है। केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की जो नियोजन की प्रक्रिया है, प्लानिंग की जो प्रक्रिया है, वो किस प्राधिकरण से के अधीन है। 35 का राइट आंसर जो है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है केंद्रीय प्राधिकरण, यानी कि ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, केंद्रीय प्राधिकरण, ठीक है, इसी के अधीन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है, निजी क्षेत्र में, राज्य के, समाज के, उपरोक्त सभी के। तो जो विकास का समाजवादी मॉडल है उत्पादन और वितरण दोनों के क्षेत्र में, यानी कि दोनों में जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो किसके अंडर रहता है। तो 36 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है राज्य के, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, राज्य के। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा राज्य के, यानी कि जो समाजवादी मॉडल है उत्पादन और वितरण ये दोनों जो है किसके नियंत्रण में रहता है, किसके कंट्रोल में रहता है, राज्य के। राइट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, भारत में जो है इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में मिश्रित अर्थव्यवस्था को, ठीक है। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, मिश्रित, क्योंकि पूंजीवादी में सिर्फ यानी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया, यानी कि आप अपना प्रॉपर्टी का मालिक खुद है, और समाजवादी का मतलब हो गया आपका प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो सरकार है। लेकिन वहीं पर अगर आपको कर दे मिश्रित अर्थव्यवस्था तो इसमें दोनों चीज आ जाती है, यानी कि पूंजीवादी भी और समाजवादी भी, इसलिए भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो कृषि पर है। 70%, 50,
और सी या फिर 90। तो 38 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 70%। तो भारत में लगभग 70% जो लोग है वो किस पर निर्भर है दोस्तों, किस पर डिपेंडेंट है, कृषि पर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है। मैंने आपको जमींदारी प्रथा के बारे में पार्ट टू में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन में बताया था कि जमींदारी प्रथा का मतलब क्या हो गया, यानी कि जिसका जमीन होता था वो खेती नहीं करते थे, जो खेती करते थे, जो किसान मजदूर खेती करते थे उसका जमीन नहीं होता था, लेकिन जो अंग्रेज है वो टैक्स जो लेता था वो किससे लेता था, वो किसान से ही टैक्स लेता था। मतलब मान लेते ये आपका जमीन है तो ये जमीन का मालिक है जमींदार, लेकिन काम आप कर रहे हैं, ठीक है, और टैक्स भी जो है आपसे लिया जा रहा है, लेकिन जमीन जिसका जमीन है उससे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो कानून है जमीन प्रथा वो कब से चला आ रहा था, वो चला रहा था अंग्रेजों के जमाने से। तो इसको जो खत्म किया गया था वो भारत में किया गया था आजादी के बाद। तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है, किसानों का शोषण समाप्त हुआ, सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ। यहाँ पर जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि किसानों का शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, जैसे कि आप लोगों ने देखा उसका जमीन नहीं है फिर भी उसका शोषण, समझ रहे, काम करने पर भी उसका शोषण और जमींदार का कुछ नहीं, और सरकार और किसान के बीच सीधा संपर्क हो गया इससे, यानी कि जमींदारी प्रथा खत्म होने से। और जमींदारों का जो राजनीतिक प्रभाव था, जमींदार जो एक प्रकार का राजनीति से जुड़ा हुआ था, बड़े बड़े जो ढींगे हाक रहा था, तो ये भी एक प्रकार का खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है जमींदारी प्रथा के बारे में, तो आपको ये लिख देना है उसका उद्देश्य के बारे में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सही है। भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सही है, व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई, लगान का निर्धारण किया गया, जमींदारों के जमीन को सुरक्षा प्रदान की गई, उपयुक्त में से सभी। तो 40 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई। तो भूमि हदबंदी व्यवस्था जो थी इसमें जो सही कथन है वो कौन सा है, व्यक्ति को जमीन रखने की एक अधिकतम सीमा तय की गई, मैक्सिमम सीमा, मैक्सिमम लिमिट। तो राइट आंसर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ा था बिहार में फूड क्राइसिस के बारे में, किस तरीके से वहां पर खाद्यान्न संकट की खाद्य संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हम लोगों ने बिहार में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी, 1960 के दशक में, 1980 के, 1950 के, 1990 के। तो 41 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1960 के दशक में। तो बिहार में जो है 1960 के दशक में, इसलिए ये जो 1960 के दशक है इसको खतरनाक दशक कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो चैप्टर 4 आएगा आपको वहां पर पढ़ेंगे 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों बोला जाता है, तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो अगला अध्याय आपका आएगा, ठीक है। तो बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी वो है 1960 के दशक में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है एम स्वामीनाथन को, यानी कि ऑप्शन ए। तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, एम स्वामीनाथन को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू की गई थी। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए जो 1960 और 61 के दशक में जो गहन कृषि जिला कार्यक्रम है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, वो कितने जिलों में लागू की गई थी, 7, 8, बिहार के सभी जिलों में या फिर 10। तो 43 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 7 जिलों में, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी, 1955-56, 1960-61, 1975-74 या फिर 1967-68। तो 44 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वह 1967-68। तो भारत में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1967 से लेकर के 1968 के बीच भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है, संपूर्ण समाज, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, उद्योगपति। तो नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है, संपूर्ण समाज होता है, बहुसंख्यक होता है, अल्पसंख्यक होता है, उद्योगपति होता है। तो 45 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है संपूर्ण समाज, ठीक है। तो नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से जो संपूर्ण समाज है वो होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है, देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि नियोजित विकास का उद्देश्य किसको माना जाता है, देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना को, बेहतर मान्यता, मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना, या फिर केवल उद्योग के विकास पर बल देना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 46 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना, ये जो है उद्देश्य माना जाता है नियोजित विकास का। तो राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 46 का, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, नियोजित विकास का अर्थ क्या है। नियोजित विकास, नियोजित विकास, प्लानिंग,
डेवलपमेंट इसका अर्थ क्या है? देखिए, उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना, या फिर मजदूरों किसानों के लिए संसाधन जुटाना, या फिर उद्योग को बढ़ावा देना, या फिर प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व स्थापित करना। 47 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना, यानी कि जो संसाधन उपलब्ध है उसी का सही तरीके से प्रयोग करना, उपयोग करना, सही तरीके से प्लानिंग करना आगे विकास के लिए। ठीक है, तो नियोजित विकास का जो अर्थ है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 47 नंबर का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सही है? जनता की भागीदारी, बहुसंख्यक को विशेष महत्व, धर्म के आधार पर शासन, अल्पसंख्यकों का शोषण। तो 48 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वह जनता की भागीदारी, यानी कि ऑप्शन ए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सही है? वह है जनता की भागीदारी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 48 नंबर का। लेकिन इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, पोस्को प्लांट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर पोस्को प्लांट के बारे में। तो पोस्को प्लांट जो है वो भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए थे? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। 49 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा था पोस्को प्लांट के बारे में कि भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए थे, बिल्कुल आपका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, यह आपका ऑप्शन भी होगा, फिर से गलत हो गया है। तो पोस्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? उड़ीसा में। उड़ीसा में हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से उत्तर कोरिया का कंपनी जो कि पोस्को प्लांट होती है वो स्थापित किए जाते हैं, जो उड़ीसा की सरकार है वो उस पर हस्ताक्षर भी कर देता है, लेकिन वहां के जो ग्रामीण लोग थे वो इसका आंदोलन कर रहे थे। किसका? पोस्को प्लांट का, क्योंकि वहां पर उसको लग रहा था कि एक प्रकार का हम लोगों को यहाँ पर छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी औद्योगिक कहीं भी अगर फैक्ट्री वगैरह स्थापित होती है तो वहां से लोगों को भागना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसके महक इतने बदबूदार होते हैं कि वहां रहना मुश्किल हो जाता है। तो 49 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, उड़ीसा। पोस्को प्लांट जो है भारत के उड़ीसा से स्थापित किए गए थे, उड़ीसा में। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विकास की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन या मतलब सही कथन का चयन करें, यानी कि कौन सा कथन सत्य है? आर्थिक समृद्धि आती है, सामाजिक संरचना एवं नागरिकों की दशा में परिवर्तन आता है, असमानता में कमी आती है, उपयुक्त सभी। तो 50 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें, तो आर्थिक समृद्धि आती है, विकास की अवधारणा से आर्थिक समृद्धि आती है, सामाजिक संरचना एवं नागरिकों की दशा में परिवर्तन आता है, असमानता में कमी आती है। तो राइट आंसर जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो जो ऑलरेडी लंबी बन चुकी है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका और 30-31 क्वेश्चन बच गया इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट टू में इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, टोटल ध्यान दीजिएगा 81 क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन लेवल सभी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना, पार्ट टू भी देखना है इसी चैप्टर का, यानी कि चैप्टर 3 जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का यानी कि दूसरा किताब का ये दूसरा तीसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, नियोजित विकास की राजनीति, इसी का आज ये पार्ट वन हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, पार्ट वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पार्ट टू में जो है हम लोग 51 से शुरू कर देंगे, 51 से लेकर के 81 तक जो है आपको करवा देंगे, यानी कि टोटल 30 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो 30 ऑब्जेक्टिव आपका रह गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, आज हम लोग सेशन को यही समाप्त करते हैं, इसी तरीके से आपकी पॉलिटिकल साइंस की पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड चैप्टर को नहीं देखा, थ्योरी को नहीं पढ़ा, तो जाइए प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।